हम ते घर बैठे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल गयो की ज्यादा कपड़ा नहीं खरीदया तुम्हारे कपड़ों से हम कुन जगह नहीं हो रही घर बड़ी खुश हो रही है भाई जब कम का चश्मा आ ना उदगम हम दुया का चश्मा आ जा बाय बाय दादी मम्मी बताओ फिर सीमा कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं अपने नियरेस्ट पार्क नियरेस्ट पार्क नहीं सॉरी ये होता गर्मी का असर जो सर पे चढ़ी हुई है अभी ये पार्क ना भी भूल नहीं पा रही है तो उसे बार बार पार्क ही याद आ रहा है बाहर जाने के लिए बहुत खुश हो जाती है। जैसे कि तुम होती हो। अब हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं कैमरा बैठ के। सो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ सीमा? WSM मॉल जो कि हमारे घर के आसपास ही पड़ता है। हाँ घर के जैसे जो पार्क था लास्ट टाइम जो हम गए थे लोहिया पार्क वो भी हमारे घर से पास में ही है। आप सब लोग पूछते हो ना कहाँ रहते हो तो आप खुद ही गैस करो हम कहाँ रहते हैं। वैसे तो मैंने कमेंट में बताया भी है बहुतों को बट फिर भी गैस कर लो कि WSM मॉल हमारे पास सबसे अच्छा मॉल वही पड़ता है जो हमारे आसपास पड़ता है। आसपास है हाँ आपको जो लोग यहाँ के आस पास के उनको तो पता चल ही जाएगा। इसे कुछ भी नई चीज दिखती है तो उस पर हाथ लगाती है। बताओ कि जब ये घर में रहती है तो बस नाक में दम किया रहता है और बाहर आके देखना बिल्कुल लग भी नहीं रहेगी कहाँ चुप हो रखी है बिल्कुल। अभी ये देख रही है कि कहाँ पे जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बच्चे के साथ में होता ही है बिल्कुल। काशी बस अब खुलने वाला है और खुल गया है मेरे ख्याल से। ये देखो मिस्टीरियस ऐसी उसके चेहरे की है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं मॉल में और अब बस रिजल्ट एंटर कर रहे हैं अंदर। तो ये है स्पार जहाँ पे हम ग्रोसरी वगैरह के आइटम की शॉपिंग करते हैं। मतलब मोस्टली आते रहते हैं हम, महीने में तो एक बार आ ही जाते हैं हम यहाँ पे सामान वगैरह लेने के लिए अपने राशन का। कासु क्या पसंद आ रहा है? क्या पसंद आ रहा है कासु को? टेबल कुर्सी लेगी? कुर्सी लेगा पता नहीं क्या। रुक गई रुक गई एक जगह रुक गई। तो आ गए हम एक लेडीज वियर में और अब हाँ अब कास होते भूल गए। और यहाँ हम देखना चाहिए हम तो क्या पसंद आ रहा। सब तरह का कपड़ा यक्षिन रंगला पिंगला जो कलर चाहे <मिल जाना। laughs> और हम ते घर बैठे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल गयो की ज्यादा कपड़ा नहीं खरीदया तुम्हारे कपड़ों से हम कुन जगह नहीं हो रहे इतना कपड़ा ले ले। मतलब वैसे तो हम जब भी कहीं जाते हो तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा पसंद आ जाता है कि फिर हमारा उस पर मन आ जाता है और हमको मजबूरी में लेना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और फिर हम पता है क्या करते हैं? मेरे साथ तो ऐसा है, पता नहीं इनके साथ है कि नहीं है, मेरे साथ ऐसा है कि जो मैंने नए कपड़े खरीदे होते हैं ना तो ध्यान मेरा बस उन्हीं कपड़ों पर रहता है। तो जो मतलब दो दिन भी पहले खरीदे होंगे वो फिर नहीं रहते। फिर जैसे मैंने ये है ये अभी मैंने 1 month पहले खरीदा है तो मैं इसको इसी एड्रेस में आपको बार बार दिखती रहूंगी इसी एड्रेस में। तो मतलब जल्दी फ्रिक्वेंटली मैं कपड़े ना जो ऊपर मिल गया वही उठा के पहन लिया तो ये गलत आदत है मेरी। इस वजह से जो मेरे पुराने कपड़े हैं ना वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। ये देखो ये टैग्स उठा उठा के देख रहा है कितने के हैं और मेरे हिसाब से कौन सा सही रहेगा। ये कह रही मम्मी ज्यादा महंगा मत लेना। और सीरियसली इसको टैग से इतना प्यार है कि जब भी हम कपड़े खरीद के जाते हैं ना तो कपड़ों में से सबसे पहले टैग निकाल के खेलती है। इसको टैग्स बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ कहीं मॉल वालों का नुकसान ना कर दे टैग निकाल के। ये देखो और यहाँ काशी अपने मम्मी पापा को भूल चुकी है, उसे नहीं पता कहाँ है मम्मी कहाँ है पापा। अब देख लिया देख लिया उसने उसको हमारी पड़ी ही नहीं है। अलग अलग सेक्शन में घुसी जा रही है और जहाँ जहाँ से उसे टैग मिल रहे वहाँ से उठा के ले। चलो बच्चों के सेक्शन में चलते हैं। मुझे लगता है सीमा ये टैग का करेगी कलेक्शन करेगी।
आजा यहाँ पर। इसने इसके पास पहले से एक था, इसने दोबारा से यहाँ पे एक टैग उठा लिया है। ये पूरा मॉल साफ कर देगी। मॉल वाले तुझे रख लेंगे काशु, ये तो सफाई कर रहा है। अरे वो उसमें जुड़ा हुआ है, वो नहीं आएगा काशु। उसमें जुड़ा हुआ उसका टैग खींच दिया पानी। ये कह रही मम्मी मेरे लिए ये ड्रेस लो। ये देखो काशी का आतंक। कह रही मुझे भी पहनाओ। अरे दे छोटी बुल्ली के लिए, ये देख छोटी बुल्ली के लिए। ये हमने तृप्ति की लड़की के लिए लिया हुआ है, और सेम हमको इतना पसंद आया ये कि हमने काशी के लिए भी इसका बड़ा साइज ले लिया है। तो ये तृप्ति की लड़की पहनेगी और ये हमारी लड़की पहनेगी। वो देखो अपना तो उसे बर्बाद कर दिया। आ जाओ चलो, आ जाओ काशी, चलो चलो सब छूट जाए। लेकिन इसके टैग ना छूटे, टैग ना छूटे। हमने बास्केट भी नहीं लिया, बास्केट कोई बात नहीं। हाँ ले ले। आज नहीं कर रही चाहिए, नहीं कर रही है। मेरी आवाज निकल रही है उसकी, इतनी सारी चीजें देख के घबरा गई है मैं, क्या क्या देखूं। ची उत्ते डर रही है। इसका मुंह देख के डर रही है। देखो अभी तो डेंजर रहने दे, सही में ये तो देखो यहां से तुम्हें तो ले लेगी। ले 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 ले, डर रही है, डर रही है। ये पकड़ लेगी, देखा ये पकड़ लिया उसने आराम से। जी देखो तेरे जैसा ही है पिंकी, उसने भी देख सर पे वही बांध रखा है। ये कितना क्यूट डॉल है। कितना प्राइस होगा इसका? 250 रुपए का। 250 रुपए का ये। हां अच्छा लग रहा है, लग तो अच्छा रहा है। और सेम उसके जैसे लग रहा है यार, सेम लग रहा है ना, देखो ना कैसे तक ना फेस। काशु सेम ऐसे ही, ऐसे ही उसकी चुटिया भी है, ऐसे ही बाल भी है, ड्रेस भी सेम पहन रखी है। दू यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस में मिल जाएगी सारी डॉल। वो देखो अपने डॉल ले लेना। अरे हमें पीनट बटर भी चाहिए था, पर यहाँ क्या कर रहा है? वहां जाके लेंगे ये, पता नहीं स्टॉक की। देखो उसको दोनों चाहिए, दो ही उठा रही है। ले चलो चाहिए आपको। तो मुझे याद है कब सीमा ये वाला ना, ये वाला। और छोड़ दिया था तब उन्होंने। ले 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 रख दिया बात। मुझे मत तब दो, मुझे अकेले चलने दो। हाँ बिल्कुल नहीं मान रही है। आजा 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 आजा, वही बड़ी खुश हो रही है भाई। अच्छा आजा अच्छा आजा, नौटंकी। चलो तुमने घुमा दिया, मैं मेरी बारी घुमाने की। नौटंकी बस ओ आ अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे ये कासू को एक्सीलेटर पे ले जाते हुए
कासू देख रहा है इधर उधर। मैंने कहा तुम लेके जाओ इसे एक्सीलेटर पे, अब मैं आ रही हूँ ऊपर। और ये काशु आ गया, डिंग 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 डिंग, यिप्पी। उसको चश्मों का बहुत शौक है, चश्मा चाहिए उसे। काशु कह रही मुझे ये चश्मा लेके दो, तो अभी हम एक ले रहे हैं काशी के लिए। नो नो, जदगमी का चश्मा आ ना, उदगम हम दुया का चश्मा आ जा। तो फाइनली इनकी ब्यूटीफुल सी कैप और इनकी एक शर्ट लेके, जो कि मैं सीमा के बर्थडे पे पहनने वाला हूँ। और आप लोग ये पूछेंगे कि आपने तो ले लिया लेकिन आपने सीमा को कुछ नहीं दिलाया, तो मैं आपको बता दूँ कि सीमा को मैंने 1000 times कहा इन्होंने ले 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 ले, पर मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। और ये हमेशा की तरह हमेशा कितना बोलता हूँ कि ले ले अपने लिए, कभी लेती नहीं है अपने लिए ये। तो अभी हम यहाँ से लिफ्ट से जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो यहाँ पे बंद करने की जगह कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अभी सीमा बोल रही है कि चलो यार थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो देखते हैं अभी हल्दीराम जाते हैं। तो फाइनली हम हल्दीराम पहुँच और मेरा ध्यान यहाँ चला गया है। मैं इसकी वजह से रील भी नहीं बना पा रही हूँ अपनी क्लोजअप वाली, और कैमरा भी फेस नहीं कर पा रही हूँ। होता है ना जब कोई पिंपल वगैरह ऐसे मुँह पे आ जाता है, काफ़ी परेशान हो गया। तो ये मुझे हो जाता है, एलर्जी टाइप हो जाता है मुझे जूठे वगैरह से, परेशान होने लग गया। अभी इसमें ठहराव नहीं है, अभी कह रही हूँ। हाँ हेलो नमस्ते, कर दो जय कर दो, जरा जय कर दो, जय कर दो, जय तो कर दो, मेरी से करवा रही है। तो काशी का यही है कि जहाँ भी जाती है ये बाहर, तो ये 1 घंटे तक सही रहती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर उसको परेशानी। वैसे खुश तो आज तो बहुत खुश है। चलो आप ऑर्डर, मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं हल्दीराम, और अभी मैं ऑर्डर देने गया था तो वो लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि आप अपनी सीट पे बैठ के ही ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक सीट पे, हर एक सीट पे यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, तो इसको मुझे स्कैन करना है और उससे फिर जो यहाँ का मेन्यू हल्दीराम का वो आपके स्कैन करने पर जाएगा, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो मैंने भी स्कैनर खोल लिया और मैं इसको यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ। और इनकी वेबसाइट जो है हल्दीराम की, वो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो ये बोल रहे हैं आप खाना चाहते हो, घर ले जाना चाहते हो, खाना चाहते हैं? खाना चाहते हैं, तो डाइन इन का ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर मेन्यू आ गया। अब हम मेन्यू सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं हमने क्या मंगाया। और यहाँ पे काशी को छुप कराने के लिए उसकी मम्मी ने लगा दिया है उसके लिए कार्टून। काफ़ी देर से टायर्ड हो गई, काफ़ी देर से घूम रही है, मानती भी तो नहीं है, गोद में रहती ही नहीं है, अपना आप ही घूमना है तो बहुत थक चुकी है। पहले हम नीचे गए थे शॉपिंग करने, फिर ऊपर के फ्लोर पे गए थे, नीचे बहुत कुश्ती है, फिर जब ऊपर गए थे वहाँ पर भी ठीक थी, लेकिन जब वहाँ से हम वापस आने लग गए, हाँ बैठे जैसे कुछ खाने के लिए बैठे सब इसने। और दगड़े वहाँ ये देखा कि यहाँ यकम सीमा बैठी कंच घरिया स्टाइल में। ये बात बिल्कुल सीमा ने ठीक बोली कि बच्चों के गड़ा में सब चल दे। काशु सारा ध्यान उसको मोबाइल में ही है अभी, थोड़ा मैंने उसको रिलैक्स किया, उसके जूते उधर निकाल लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी सीट चेंज कर ली है अभी और हम इधर आ गए हैं, ताकि काशु को थोड़ा सा आराम मिल सके, वो मेरे ख्याल से अब कर चुकी है ब्लास्ट कर चुकी है। और हमने क्या मंगाया एक बार दिखा देते हैं आपको, हमने मंगाया राज कचौड़ी और 2 बादाम शेक। जी यहाँ पर 2 राज कचौड़ी हैं और 2 बादाम शेक है, और सबसे पहले खाएगा मेरा काशु। काशु खा के दिखाओ, देख रही है भैया कि क्या क्या मंगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ये लोग, खाने का स्टाइल देखो उसका। आई लव हल्दीराम, हल्दीराम मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट में से एक है, जो मैं मतलब जब से मैंने होस्ट संभाला है समझो मेरे को हल्दीराम में ही जाना बहुत पसंद है। बहुत जगह की नीट एंड क्लीन भी रहता है, ये और जो बोले कि तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा, मैं हल्दीराम ही बोलूं। और जो क्वालिटी होती है फूड की वो भी अच्छी होती है। तो जब भी हम हल्दीराम जब भी हम मॉल में आते हैं, WSM मॉल में आते हैं, तो यहाँ जरूर आते हैं। देख लो इसका, देख लो इसका कंटिन्यू खा रही है बनकी, देखो ऐसे मिसी हुई है खाने पे, मेरे राज कचौड़ी का कटोरा निकाल दिया।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं फाइनली अपने घर। सीमा चलें घर? काजू चलें? काजू घर नहीं, मुझे अभी और खाना है। राज कचौड़ी मेरा अभी मेरा पेट भर पेट नहीं भरा है मेरा सारा, मेरे मम्मी पापा ने खा लिया, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो मुझे अभी और खाना है। तो मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी सीमा का जो बर्थडे है 16 जुलाई को है, तो हम सोच रहे हैं कि हम उस दिन भी यहीं आ जाएंगे, घर से सबसे पास में भी है और कोरोना के टाइम में ज़्यादा दूर ना जाके थोड़ा पास में ही सही रहेगा। हाँ तो दोस्तों फिर यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फैमिली के साथ में रहिए।